वेल तो ही गाइस वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं WWE के मनी इन द बैंक विनर ड्रू मैकइंटायर, जिन्होंने जीता था अभी मतलब ड्रू मैकइंटायर मनी इन द बैंक विनर बन गए थे। और फैन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट मनी इन द बैंक का है वो कैश इन करने गए और रिन्यू हो गया। क्या हुआ है डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। सो मनी इन द बैंक 2024, इसका जो ब्रीफ केस है वो जीतते हुए दिखा देते हैं हमें यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर। देन इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। मतलब जब सेथ रॉलिंस का मैच होता है जो कि डायमंड प्रिस्ट के साथ में फॉर दी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, तो अपॉर्चुनिटी देखकर यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर अब कैशिंग करने का प्लान बनाते हैं, कैशिंग करने भी जाते हैं भाई। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि CM Punk अचानक से आ जाते हैं एंड देन CM Punk क्या करते हुए दिखाई देते हैं, वो कैशिंग को रिन्यू करते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि हम सभी लोग को पता है, सॉरी रिन्यू करते हुए दिखाई देते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि भाई हर जगह इन दोनों का नोकझोंक चल रहा है। ड्रू मैकइंटायर कहीं CM Punk को फोड़ देते हैं, कहीं CM Punk किसी और को फोड़ देते हैं, मतलब ड्रू मैकइंटायर को फोड़ देते हैं कहीं पर भी पाके। तो अभी यहाँ पर इनको बहुत बढ़िया मौका मिला कि भाई इस बंदे का तो टाइटल अपॉर्चुनिटी अब गंवाना पड़ेगा। देन क्या हुआ कि भाई CM Punk आते ही भाई इसका तो डिस्ट्रॉय हो गया भाई। अब मनी इन द बैंक ब्रीफ केस 2024 का ख़राब कर दिया बिकॉज ऑफ CM Punk भाई। मतलब किसी और को जिता दिया रहता यार, कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट तुमने इस रावलरी को काफ़ी स्ट्रांग बनाने के लिए मनी इन द बैंक ब्रीफ केस दाव पे लगा दिया भाई। मैच इनका अगर हुआ ना तो फोकट में नहीं जाना चाहिए, बहुत बढ़िया जाना चाहिए तभी वसूल होगा, नहीं तो भाई बहुत बेकार लगेगा कि भाई 2024 का मनी इन द बैंक ये डब्बे में गया छपा। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, आप लोगों का क्या ओपिनियन है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई शो था ये, तो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है और देखते आगे वाले और मेन इवेंट में क्या देखने को मिलता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी, इन्हें ले लिया सौ फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।